हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक नंदनी से पाठ 3, जिसका नाम है मिट्ठू की तरकीब। क्या नाम है पाठ का? मिट्ठू की तरकीब। तो चलो अब हम कहानी को पढ़ते हैं। इस ये कहानी किसकी है? एक कौवे की और मिट्ठू की, तोते की। तो किसी गांव में एक सुंदर बगीचा था। बगीचे में तरह तरह के बहुत से पेड़ थे। बगीचे में बरगद का एक पेड़ भी था। उस पेड़ की डाली पर मिट्ठू नाम का एक तोता घोंसला बनाकर रहता था। एक दिन की बात है, उसी बगीचे में उड़ते हुए मिट्ठू ने आम का एक पेड़ देखा। वह पेड़ फलों से लदा हुआ था। मिट्टू को आम बहुत पसंद थे। पके हुए रसीले पीले पीले आम देखकर मिट्टू के मुंह में पानी आ रहा था। वह आम खाना चाहता था। मिट्टू उस आम के पेड़ पर जा बैठा और जैसे ही उसने एक आम को खाना चाहा, उसे एक तीखी आवाज़ सुनाई दी। काँव काँव, यह पेड़ मेरा है। मेरा नाम काला कौआ है। तुम यहाँ से चले जाओ। मिट्टू कौए को देखकर डर गया। वह घबराया और जाकर दूसरे पेड़ पर बैठ गया और सोचने लगा कि इतने स्वादिष्ट आम को कैसे खाया जाए। तभी उसे ज़मीन पर पड़ा हुआ एक लाल गुब्बारा दिखाई दिया। गुब्बारा देखकर मिट्टू को एक तरकीब सूझी। उसने उस गुब्बारे को अपनी चोंच से उठा लिया और उस आम के पेड़ पर कौए के पीछे जाकर बैठ गया और फिर मिट्टू ने अपनी चोंच से गुब्बारे में छेद कर दिया। अब क्या हुआ? ये स्टोरी क्या है? एक गांव है, उसमें एक बगीचा है। उस बगीचे में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। उन्हीं में एक बरगद के पेड़ पर कौन रहता था? एक मिट्ठू नाम का तोता रहता था घोंसला बनाकर। तो एक दिन क्या हुआ कि मिट्ठू ने आम का एक पेड़ देखा। क्योंकि उसे आम बहुत पसंद थे तो उसको उनको खाने का मन हुआ। लेकिन वो जैसे ही आम को खाने गया तो उसको एक काले कौवे ने डरा दिया और उससे कह दिया कि ये मेरा घर है, मेरा पेड़ है, तुम यहाँ से चले जाओ। तो मिट्ठू ने क्या करा, एक आइडिया उसके दिमाग में आया कि उसने एक उसको एक गुब्बारा दिखाई दिया। उसने वो गुब्बारे को देखकर जा उठाया चोंच से और क्या हुआ, कौवे के पीछे जाकर बैठ गया और गुब्बारे में छेद कर दिया। जैसे ही उसने गुब्बारे में छेद किया, जैसे ही उसने छेद किया, गुब्बारे में से आवाज़ आई जोर से, फटाक। गुब्बारा जोर से फटा। आवाज़ इतनी ज़ोर से हुई कि कौवा डर गया। वह काँव काँव करके भागा। भागो भागो, कोई शिकारी आ रहा है, वह मुझे मारना चाहता है। डरकर कौआ वहाँ से उड़कर दूर भाग गया और लौटकर फिर वहाँ कभी नहीं आया। कौए को भागते देखकर मिट्ठू बहुत खुश हुआ और फिर वह पेड़ की डाल पर बैठकर आराम से आम खाने लगा। अब क्या हुआ कि कौए उसने जैसे ही उसने वो गुब्बारे में छेद किया तो आवाज़ आई, तो कौए को लगा कि कोई शिकारी आ रहा है उसे मारने के लिए। इसलिए कौआ डर के मारे वहाँ से दूर उड़कर भाग गया और फिर कभी नहीं आया। और तोता मिट्ठू क्या हुआ, बहुत खुश हुआ और आराम से पेड़ पर बैठकर आम खाने लगा। इस प्रकार मिट्ठू तोता अपनी समझदारी से मीठे रसीले आम खाने में सफल हो गया। और क्या हुआ कि मिट्ठू अपने मीठे मीठे आम खाने में सफल हो गया, मतलब उसने समझदारी से जो काम किया उससे उसको फ़ायदा हुआ। इस तरह समझदारी से अपना काम आसानी से निकाला जा सकता है। इसी तरह से हमें भी अपना काम ऐसी समझदारी से आसानी से हम निकाल सकते हैं। अब इस कहानी में आए जो नए शब्द हैं हम उनको पढ़ेंगे। उपवन, बगीचा, डाली, पेड़ की शाखा, घोंसला, पक्षी का घर, रसीला, रस से भरा हुआ, मुंह में पानी आना, खाना देखकर ललचाना, समझदारी, होशियारी। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे, मतलब अभ्यास के क्वेश्चन नोट करेंगे और याद करेंगे। तो ये है प्रश्न उत्तर। इसमें फर्स्ट है, बगीचा कहाँ था? बगीचा कहाँ था? बगीचा गांव में था। तोते का नाम क्या था? तोते का नाम क्या था? तोते का नाम मिट्ठू था। गुब्बारा कहाँ पड़ा हुआ था? गुब्बारा ज़मीन पर पड़ा हुआ था। अब देखो ये सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। का है,
बगीचा कहाँ था? गांव में, गांव से दूर, शहर से दूर। इसका फर्स्ट वाला सही है, बगीचा कहाँ था? गांव में। ख, तोते का नाम क्या था? कट्टू, मिट्टू, पट्टू। तोते का नाम क्या था? मिट्टू। अब है ग, गुब्बारा किस रंग का था? लाल, नीला, पीला। गुब्बारा किस रंग का था? लाल। कौवे की आवाज़ कैसी थी? मीठी, तीखी या दोनों? कौवे की आवाज़ थी तीखी। अब है फिर से प्रश्न उत्तर है, अब हम इनके प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। प्रश्न नंबर एक, उड़ते हुए तोते ने नीचे क्या देखा? तो उड़ते हुए तोते ने नीचे क्या देखा था? आम का पेड़ देखा। नंबर दो, तोता किस पेड़ पर रहता था? तोता बरगद के पेड़ पर रहता था। तोते को आम कैसे लगते थे? ये है हमारा प्रश्न नंबर तीन। तोते को आम बहुत अच्छे लगते थे। प्रश्न नंबर चार, कौवा के पीछे जाकर तोते ने क्या किया? कौवे के पीछे जाकर तोते ने गुब्बारे को चोंच से फोड़ दिया। गुब्बारे की आवाज़ सुनकर कौवे ने क्या किया? गुब्बारे की आवाज़ सुनकर कौवे ने सोचा कि कोई शिकारी आ रहा है और वो वहाँ से भाग गया। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स या रिक्त स्थान। अब हम इनको ये हेल्प बॉक्स जो हमको मिला है उसकी हेल्प से इनको फिल करेंगे या भरेंगे। नंबर एक, भागो भागो कोई कौन आ रहा है? शिकारी आ रहा है। फर्स्ट वाले ब्लैंक में क्या आएगा? शिकारी। सेकंड, मेरा नाम डैश कौआ है। कौए का नाम क्या था? काला। तो मेरा नाम काला कौआ है। थर्ड, उसे एक डैश आवाज़ सुनाई दी। कैसी आवाज़ सुनाई दी? तीखी। उसे एक तीखी आवाज़ सुनाई दी। फोर, ज़मीन पर एक क्या पड़ा हुआ था? लाल गुब्बारा पड़ा हुआ था। नंबर फिफ्थ, बगीचे में तरह तरह के बहुत सारे क्या थे? पेड़ थे। अब आपको ये स्टोरी समझ में आई ना, और इसके ये प्रश्न उत्तर भी समझ में आए, ठीक है? अब आप इसको अच्छे से लर्न करना। थैंक यू।